नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, बार बार किए गए पत्राचार पर, दिए गए आश्वासन पर और बड़े बड़े भाषण पर, और जो है कि सरकार के द्वारा जारी पत्र के आलोक में और कैबिनेट के बैठक से लेकर और आंदोलन से लेकर और ज्ञापन और विज्ञापन तक, अखबार से लेकर टेलीविजन चैनल तक और इस चैनल के माध्यम से सारे प्रयास करने के उपरांत भी बिहार सरकार की स्थिति वही है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठे पजुआए। बिहार सरकार अपना ढिंढोड़ा तो पीट रही है, अपने मन की बात को बोल रही है और अपना जो कार्य है उसका दिखावा और प्रचार प्रसार कर रही है, और जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का न कहीं कोई चर्चा है, न कहीं कोई नाम लेने वाला है, न कोई कार्रवाई है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि लगातार इस चैनल के माध्यम से जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों की मांग को उठाकर और सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। हम जानते हैं कि जिनको झूठ पसंद है वे लोग इस वीडियो में नहीं आएंगे, इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको सपने में जीना पसंद है। और कुछ ऐसे ऐसे लोग जो है कि YouTube पर मौजूद है जो कि झूठी और जो है कि गलत बातों के आश्वासन देकर, जिसका कोई न सिर है न कोई पैर है, न सरकार से उसका कोई संबंध है, न वह कहीं जाता है, न कोई उसको खबर है, और जो है कि अपने मन से जो है कि मनगढ़ंत बातों का पुलिंदा बनाकर और संविदा पर नियोजित कर्मियों को दिग्भ्रमित कर रहा है और संविदा कर्मी जो है कि बड़ी संख्या में देखने का काम कर रहे हैं, जिससे भी बिहार सरकार समझ रही है कि हम मूर्खों की एक टोली है जो कहीं भी दौड़ने के लिए तैयार है। खैर, आपको जहां दौड़ना हो दौड़ते रहिए, जो देखना हो देखते रहिए, लेकिन इस चैनल ने निर्णय लिया है कि बिहार सरकार को झकझोरने का काम हम आज से करेंगे। और जो है कि बिहार सरकार संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, निष्कासित किए गए कर्मी, हटाए गए कर्मियों को सरकार जो है कि कीड़ों मकोड़ों की तरह जो है कि समझ रही है और जो है कि कोई कार्रवाई करने के लिए अभी तक जो है कि बी राजेंद्र का एक पत्र जारी हुआ, उस पर बिहार सरकार का कोई भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। इस वीडियो पर जो देखने वाले लोग आते हैं, वीडियो देखने आते हैं, उनकी क्या मानसिकता है, कौन है वे लोग जो वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं? यदि वे संविदा कर्मी हैं तो वह जो है कि लाइक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि संविदा कर्मियों की बात ही तो इस चैनल पर की जाती है, और जब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा तब तक जो है कि आपकी बात जो है कि बड़े पैमाने पर राज, देश और जो है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच सकती है। तो दोस्तों, सारी कुछ हम समझाने के बाद अब बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा इंट्री ऑपरेटरों ने जो है कि सेवा समायोजन को लेकर धरना दिया है, और साथ ही बिहार सरकार को खुलम खुला चैलेंज दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से कि बिहार सरकार ने यदि बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा इंट्री ऑपरेटरों का सेवा समायोजन नहीं किया, किसान सलाहकारों का जनसेवक के रूप में जो है कि नियुक्ति को मान्यता नहीं दी जाती है, समायोजन जनसेवक के पद पर नहीं होता है, ग्रामीण आवास सहायक और पर्यवेक्षकों का मानदेय वृद्धि नहीं होता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय वाले हैं, जेल में कार्यरत चालक बल है, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी है, स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी पंचायतों में कार्यरत है, पंचायत रोजगार सेवक है, पात्रता परीक्षा पास सांख्यिकी स्वयंसेवकों का त्रिस्तरीय कमिटी यदि सरकार नहीं खोलती है, न्याय मित्र और कचहरी सचिवों का संभावित वेतन 30,000 नहीं किया जाता है, पटना जल बोर्ड के संविदा कर्मी का जो है कि कार्यवाही नहीं होता है, और जो है कि आईटी अनुदेशक, बीडीएसी, डमटा इंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर काउंसलर, वार्ड सचिव नए और पुराने, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, बीएमएनएचएम, केटीएस, एसटीएस लैब टेक्नीशियन, सैनिटाइजर सुपरवाइजर, उन्नयन बिहार, नाइट गार्ड, बिहार स्वास्थ्य परियोजना नियोजन सलाहकार, ब्लॉक कृषि अकाउंटेंट, जीविका कैडर, ग्राम रक्षा दल, और जो है कि ग्राम रक्षा दल के लोगों की वापसी नौकरी पर नहीं की जाती है, इन
पंचायत सचिव के पद पर समायोजित नहीं किया जाता है, तो जो है कि हम क्या करेंगे आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं बिहार सरकार के साथ। संविदा एएनएम का वेतन यदि वृद्धि नहीं होता है, कोविड लैब टेक्नीशियन का वेतन वृद्धि नहीं किया जाता है, ग्रामीण विभाग के ड्राइवर और आरटीपीएस के संविदा कर्मी जिनमें आईटी सहायक वगैरह हैं, एनएचएम स्टाफ नर्स ए ग्रेड और जो है कि लेखापाल आईटी सहायक जो पंचायतों में नियुक्त हैं और शिक्षा प्रेरक, और साथ ही बिहार सरकार ने लोक शिक्षकों को जो है कि हटाया गया था, उन लोक शिक्षकों की पुनर्वापसी यदि नहीं होती है तो यह चैनल बनाया ही इसीलिए गया है कि सरकार का चुनाव में खुलम खुला विरोध किया जाएगा और ईंट से ईंट बजाकर सरकार को धराशायी करने का काम करेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि कोई जो है कि जात पर, तो कोई मुर्गा भात पर, तो कोई 500 के नोट पर और कोई लाठी के चोट पर जो है कि बिहार में वोट मिलता है। यह बहुत बड़ा भ्रम है जो कि ये लोग निरंकुश हो गए हैं। इनको जो है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद ये लोग निरंकुश हो गए हैं। ये लोग जो है कि जनता की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। इनको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वह बिहार में जो है कि बहुत बड़ा एक करंट के रूप में अंडर करंट चल रहा है आरजेडी का, जीडीयू का। यह भ्रम है इनको, इसलिए ये लोग संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और अवर्गीकृत कर्मी को भूल गए हैं और धोखे में जीना इनको पसंद है। और इनसे भी ज़्यादा धोखे में जीने वाले कुछ संविदा कर्मी हैं जो ऐसे ऐसे चैनलों को विजिट कर रहे हैं जिसपे चैनल बनाकर खुद चैनल ही उसका सही नहीं है, बैनर भी नहीं है, और जो है कि क्या कहें हम। और झूठी बातों का पुलिंदा लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग जो है कि आ गए हैं और वह संविदा कर्मी को खुराक देने का काम कर रहे हैं। तो बिहार सरकार कान खोलकर सुन ले, संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मी न जात पर, न बात पर, न मछली भात पर और न जो है कि लाठी के चोट पर, अब की जो है कि वोट होगी तो डंके के चोट पर। और संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और वर्गीकृत कर्मियों का जो सूची हमने दिया है, बिहार सरकार इसका संज्ञान करे, अन्यथा जो है कि यह चैनल बिहार में जो है कि ईंट से ईंट बजाकर मिट्टी पलित करने का काम हम करेंगे और इसमें सहयोग करेंगे बिहार के आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी और तमाम संविदा कर्मी। तो भाई जिसको झूठ पसंद हो वह जो है कि चैनल बहुत सारे हैं, जाकर देखिए, हकीकत हमने बता दिया। बिहार सरकार कीड़ा मकोड़े के दर्जे में आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी और संविदा कर्मी को रखे हुए है, इसीलिए जो है कि वेतन वृद्धि का एक पत्र जारी करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। तो वीडियो पर 10,000 लाइक, 10,000 के करीब में जो है कि विजिटर्स आएंगे और एक भी विजिटर्स यदि वह संविदा पर नियोजित कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, तो वह जो है कि वीडियो को लाइक करने का काम करेंगे ताकि यह आवाज़ बिहार सरकार तक पहुँचे और बिहार सरकार होश में आए और जो निद्रा में सोई हुई बिहार सरकार संविदा कर्मियों के साथ जो बीत रहा है, पल पल संविदा कर्मी जो है कि तड़प रहे हैं वेतन वृद्धि के लिए और सरकार जो है कि डमरू बजा रही है, ये लो वेतन, ये लो वेतन, आ गया वेतन, पत्र जारी कर दे रही है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है, उस पर कार्रवाई ही नहीं हो रही है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो है कि कल से सीना ठोक कर बिहार सरकार के सामने क्रांतिकारी बातों के साथ बिहार सरकार को चैलेंज किया जा सके और जो है कि बिहार सरकार जो कुंभकर्णीय निद्रा में सोकर संविदा कर्मियों और आउटसोर्स कर्मियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का खेल खेल रही है, उस खेल का खात्मा हम और आप मिलकर कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा और सबसे प्रसिद्ध और जो है कि उचित प्लेटफॉर्म आपका यह यूट्यूब चैनल है, अन्यथा आपके मुंह में जुबान है तो आप बोलिए आकर, हम जो है कि आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करेंगे, नहीं तो जो है कि घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि जो है कि वीडियो को इतना लाइक और शेयर कर दीजिए कि नीतीश और तेजस्वी के कानों तक जाकर यह संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों का आवाज़ गूंजना शुरू हो जाए और मजबूर होकर वह सब कुछ छोड़कर यह जो खेल चल रहा है नियुक्ति का, जिससे बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है और लाखों की संख्या में संविदा कर्मियों को जो है कि नियुक्त का
ईंट बनाकर उसके ऊपर जो है कि धुरमुस चलाकर उसको सफा चट करने का काम बिहार सरकार कर रही है। एक एक संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी को जो चुन चुन कर उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ को बंद करने का एक ही तरीका है कि वीडियो को जो है कि अनगिनत लाइक और अनगिनत शेयर कीजिए, ताकि बिहार सरकार मजबूर होकर हमसे बात करे और जो है कि संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों की जो आप बीती है उसको हम जो है कि बिहार सरकार को बताकर सबका जो है कि मांग पूरा करवाने का काम करें। अन्यथा जो है कि आपको झूठ पसंद है तो झूठ का पुलिंदा लेकर लोग बैठे हुए हैं, जाइए विजिट कीजिए। रोज जो है कि आपके लिए मीटिंग होता है, प्रतिदिन एक दो रोज पर जो है कि बैठक होती है, प्रत्येक रोज जो है कि आपका ग्रेड पे बनेगा और जो है कि आपका जो है कि मेधा सूची बनेगा। लेकिन जो है कि वह सब झूठ है, अनर्गल प्रलाप है, उसका जो है कि हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यदि बिहार सरकार तक अपनी मांग और बात को पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बिहार सरकार को यह पता चले कि अंदर ही अंदर बिहार के आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी या वर्गीकृत कर्मी जो है कि संगठित हैं और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा जो है कि बिहार सरकार भुगतेगी। तो आज की हमारी मांग बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्य सचिव मोहम्मद आमिर सुभानी को समर्पित है, ताकि जो है कि बिहार सरकार संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी का भला करे। वीडियो अच्छी नहीं लगे सीधे चैनल को अनसब्सक्राइब कर